धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। सनातन धर्म के मार्ग पर चलकर देश और समाज की सेवा के साथ साथ कर्म करें। उक्त बातें हिंदू शेरनी लाडली शरण ने झरिया के मेन रोड विहिप और बजरंग दल की आम सभा के दौरान कही। इससे पूर्व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह और हिंदू शेरनी लाडली शरण को तलवार भेंट की गयी। सभा के दौरान लाडली शरण ने कहा, 500 वर्ष लगातार संघर्ष करने के बाद वर्ष 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सभी हिंदू अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन करें। सनातन धर्म की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। संगठित होकर अपने धर्म की गरिमा को हम बनाए रखें। कुछ विधर्मी समाज की बहन बेटियों के साथ अन्याय करते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हिंदू बहनें लव जिहादियों से दूर रहें और बनना ही है तो झांसी की रानी और हिंदू शेरनी बने। शौर्य जागरण के मौके पर झरिया में अनेक संस्थाओं की ओर से रामलला रथ का स्वागत किया गया। 500 वर्ष लगातार संघर्ष के बाद राम मंदिर बनने जा रहा है तो सनातनी हिंदुओं से आग्रह है कि जिस प्रकार सेवा निधि घर घर से गया है, जन जन से गया है, उसी प्रकार 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो आप सभी हिंदू सनातनी अयोध्या जी में जाकर भगवान राम की दर्शन करके वह साक्षी बने। कितने वर्षों के बाद भगवान को पक्का मकान मिल रहा है तो हम जाकर वहाँ दर्शन करें और जीवन में हिंदू धर्म को बनाए और अपना रखें। और हिंदू धर्म ऐसा है, सनातन धर्म जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि भगवान स्वयं इसकी रक्षा करने के लिए आता है। इसीलिए अन्य संप्रदाय है, पंथ है, लेकिन अगर कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म ही है। इसीलिए अपने जीवन में धर्म को अपना कर रखिए, संगठित होकर रखिए। कली युगे संघे शक्ति, इसीलिए लोग को संगठित करके रखिए तो हमारा धर्म बचा रहेगा। ये शौर्य जागरण रथ यात्रा जो है ये पूरे झारखंड प्रांत में निकला है और उसी के निमित्त ये 28 तारीख को निकला था और आज धनबाद महानगर में ये दिन भर रहेगा और इसके बाद ये फिर केंदुआ होते हुए 8 तारीख को रांची में एक बहुत बड़ा धर्म सभा है, उसी के निमित्त ये रथ यात्रा निकला है और ये आम सभा आज हुई है। धन्यवाद। 22 फरवरी को उनका वही बोल रहे हैं ना आप लोग, 22 फरवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है जिसको लेकर पूरे भारतवर्ष में उनका रथ यात्रा निकल रहा है, जिसमें सनातन धर्म जिस तरह से युवा साथी और हर आप देखिए तो बजरंग दल है और कई संगठनों से लोग हमारे जुड़े हुए हैं और ख़ास करके हिंदू धर्म में मैंने सभी धर्म से लोग जुड़े हुए हैं और ये खुशी का लहर है कि कई सालों बाद ये लहर, ये खुशी कहीं ना कहीं हम धन्यवाद देंगे देश के प्रधानमंत्री जी को। रागिनी सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे देश में शौर्य रथ यात्रा का आगमन झरिया में हुआ, जहां हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस रथ यात्रा के माध्यम से हिंदुओं को बताया जा रहा है कि कितने संघर्ष और बलिदान के बाद आराध्य श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। वहीं इस मौके पर विहिप के जिलाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, रतन लाल अग्रवाल, जिला मंत्री सोनू गिरी, अमित अग्रवाल, राजू कुमार आदि लोग मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए झारखंड धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट।